हेलो एवरीवन आज मैं आप लोगों को दिलरुबा ड्रामे की कास्ट की रियल सैलरी बताऊंगी और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रियल होगी क्योंकि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्क मीडिया टेक से डायरेक्ट लेते हैं इसलिए हमारे चैनल पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल 100 परसेंट ठीक होगी हानिया आमिर का काेक्टर इस ड्रामे में बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज दिखाया गया है अब वो सबके दिलों के साथ खेलती रहती है और ये करेक्टर उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है हानिया आमिर से पहले इस ड्रामे की ऑफर सजल अली को की गई थी आ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो कहती हैं कि एक तो वो न्यूली मैरिड है उसके बाद में वो ड्रामा भी शूट कर रही हैं तो उनका स्केड्यूल काफी बिजी जा रहा है फिर डायरेक्टर ने हानिया आमिर को इस रोल की ऑफर की तो उनका कहना था कि ये उनका अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था आ, क्योंकि सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती सबसे ज्यादा फन जो है वो हानिया करती हैं तो उन्होंने उनकी टीम को काफी ज्यादा एंटरटेन किया और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं क्योंकि लोग हानी आमिर को इस करेक्टर में बहुत पसंद कर रहे हैं तो डायरेक्टर ने हानिया आमिर को इस प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए 50 लाख रुपए की ऑफर की थी आ, जो कि हानि आमिर ने एक्सेप्ट कर ली और इसके अलावा हानिया आमिर ने इस ड्रामे में जो डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े वेयर किए हैं जो ज्वेलरी वेयर की है जो, जो उन्होंने अपनी शादी की जो उनकी ओवरऑल ड्रेसिंग है आ, उसकी जो उसके जो डिज़ाइनर हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए हानिया आमिर ने पंद्रह लाख रुपये अलग से लिए हैं तो हानिया आमिर की कुल सैलरी इस ड्रामे में सिक्सटी फाइव लैक्स बनी और वैसे भी हानिया आमिर को आजकल लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो सबकी फेवरेट होती जा रही है तो वो आजकल बहुत ज्यादा ब्रांड्स को स्पॉन्सर भी कर रही है तो अक्सर ही हमें उनकी रैंप वॉक भी दिखती है वो हमें अक्सर ही मॉडलिंग के और फोटोग्राफी के शूट्स में भी हमें नज़र आती हैं। इश्किया के बाद ये उनका सेकंड हाईएस्ट प्रोजेक्ट है पैसों के लिहाज से नेक्स्ट करेक्टर हैं सैयद जिबरान और आप सबको पता ही है कि सैयद जबरान कितने जबरदस्त एक्टर हैं वो हमें नेगेटिव रोल्स में भी दिख चुके हैं वो हमें पॉजिटिव रोल्स में भी दिख चुके हैं वो अपना हर रोल बहुत बखूबी निभाते हैं वो कहते हैं कि उनका पहला प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने इतना ज्यादा एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ हानिया आमिर की वजह से क्योंकि हानिया में जब भी सेट पे आती थी वो सबको बहुत ज्यादा हंसाती थी अपनी छोटी छोटी शरारतों से सबके साथ मजाक करती थी सबके साथ फ़नी वीडियोस बनाती थी और इस ड्रामे को साइन करने के लिए सैयद जिब्रान को 45 फाइव लाख रुपीज की ऑफर हुई थी जो उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली इसके अलावा उन्होंने इस ड्रामे में जो कपड़ों के और दूसरी चीजों के ब्रांड्स को स्पॉन्सर किया है उनको स्पॉन्सर करने के लिए उन्हें पांच लाख रुपये अलग से मिले हैं तो इस ड्रामे से उनकी टोटल सैलरी पचास लाख रुपये बनी सैयद जिब्रान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस ड्रामे में जिस घर में वो रह रहे हैं वो पहले उनका हुआ करता था उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे काफ़ी उस घर में वीडियोस बनाकर शेयर भी की थी तो वो कहते हैं कि उन्हें इस घर में काम करते हुए बहुत अपनाइत सी महसूस होती है मरीना खान का तो आप सबको पता ही है कि वो कितनी देर से हमारी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और वो कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं इस ड्रामे में काम करने के लिए मरीना खान को फोर्टी लाख रुपीस की ऑफर हुई थी आ, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी आ, तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग